भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 14 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटें खाली हुई हैं, जहां से 7 उम्मीदवार उतारे गए हैं। पार्टी ने इस बार अपने गुमनाम कार्यकर्ताओं को राज्यसभा जाने का मौका दिया, साथ ही जातीय समीकरण बैठाने की भरसक कोशिश भी की, जिसमें पिछड़ी जातियों को विशेष तौर पर तरजीह दी गई। 7 में से 4 उम्मीदवार पिछड़ी जाति से उतारे गए। वहीं कांग्रेस से बगावत कर बीजेपी को ज्वाइन करने वाले आरपीएन सिंह को इनाम दिया गया। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी से राज्यसभा के लिए बीजेपी की ओर से घोषित 7 उम्मीदवारों के बीच बैठाए गए जातिगत समीकरण को बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है, क्योंकि सूबे में विपक्ष के बड़े नेता और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव पीडीए के जरिए आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी पिच तैयार कर रहे हैं, जिसकी बीजेपी ने तोड़ निकालने की पूरी कोशिश की। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने यूपी के सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, तेजवीर सिंह, साधना सिंह, संगीता बलवंत, नवीन जैन, अमरपाल मौर्य को प्रत्याशी बनाया और इन नामों में आरपीएन सिंह सेंथवार, अमरपाल मौर्य कोयरी, संगीता बलवंत बिंद, चौधरी तेजवीर सिंह जाट समाज से आते हैं। ये सभी पिछड़ी जातियां हैं और इन सभी नेताओं का अपने अपने इलाकों में दबदबा है। इसके अलावा सुधांशु त्रिवेदी ब्राह्मण, साधना सिंह क्षत्रिय और नवीन जैन बिरादरी से आते हैं। भगवा पार्टी ने सभी बड़ी जातियों को साधने की कोशिश की, केवल सुधांशु त्रिवेदी को दोबारा राज्यसभा भेजा जा रहा है, बाकी सभी नाम पार्टी ने नए चुने हैं। चंदौली जिले की पूर्व विधायक साधना सिंह एक तेज तर्रार महिला नेता है, जबकि नवीन जैन आगरा नगर निगम के पूर्व महापौर रहे हैं। वहीं यूपी में अमरपाल मौर्य को कोयरा समाज का बड़ा नेता माना जाता है, वो लंबे समय से संगठन से जुड़े हुए हैं। यूपी बीजेपी में महामंत्री हैं, उनके बारे में कहा जाता है वे सूबे के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बेहद करीबी नेताओं में से एक हैं, जबकि संगीता बलवंत योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली पिछली सरकार में मंत्री रह चुकी हैं। हालांकि इस बार गाजीपुर सीट से विधानसभा चुनाव हार गई थी, इसके बावजूद पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजने का तोहफा दिया। मथुरा से 3 बार सांसद रहे चौधरी तेजवीर सिंह को राज्यसभा भेजने के भी सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। उनकी अपने इलाके में खासी लोकप्रियता है, कहा जा रहा है बीजेपी जाट समुदाय को किसी भी कीमत पर खिसकने नहीं देना चाहती। वहीं यही वजह है कि जाट समुदाय और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी का लगभग एनडीए में शामिल होना तय माना जा रहा है। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के ऐलान के बाद से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ करते नजर आए। एनडीए में शामिल होने को लेकर उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब वो किस मुंह से मना करेंगे। अब बात करते हैं आरपीएन सिंह की, जो कि राहुल गांधी की ब्रिगेड का हिस्सा रहे हैं। वो साल 1996, 2002 और 2007 में उत्तर प्रदेश की पडरौना सीट से विधायक रह चुके हैं। साल 2009 में कुशीनगर से लोकसभा के लिए चुने गए और मनमोहन सिंह सरकार में 2009 से 2011 तक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग राज्य मंत्री रहे। इसके बाद 2012 तक गृह राज्य मंत्री का पदभार संभाला। आरपीएन सिंह कुशीनगर से सेंथवार शाही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। सेंथवार समाज के बड़े नेता माने जाते हैं। उन्होंने 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को छोड़ दिया था और बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिससे बीजेपी को इसका फायदा हुआ। बीजेपी ने आरपीएन सिंह को कुशीनगर की फजिल नगर सीट से उम्मीदवार बनाया था और उन्होंने समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को हरा दिया। पिछड़ों और दलितों की राजनीति करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की चूल्हे हिल गई थी। स्वामी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को छोड़कर सपा के साथ हो लिए थे, जिसके बाद कहा जा रहा था कि भगवा पार्टी को बड़ा नुकसान होगा। इसके बाद बीजेपी के लिए सीट प्रतिष्ठा का सवाल बन गई, जिस पर आरपीएन सिंह ने दाग नहीं आने दिया। बहरहाल लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में राज्यसभा के लिए बीजेपी की ओर से घोषित 7 उम्मीदवारों के बीच जातिगत समीकरण बैठाया गया, जिसे बड़ा सियासी दांव माना जा रहा है। पार्टी ने अखिलेश यादव के फॉर्मूले को चुनौती दी, साथ ही साथ बीजेपी ने गुमनाम नेताओं को केंद्र में लाने की भरसक कोशिश की है।